एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और सब्जी मंडी में आरती के अतिरिक्त यहां पर व्यापारी मंडल से जुड़े हुए काफी व्यक्ति मौजूद हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मार्केट कमेटी की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर एनसीआर सोनीपत हरियाणा की सब्जी मंडी है। आरोप है कि एक मुक्त मार्केट फीस वाले नए कानून के विरोध में यह हड़ताल जो है यहां पर की जा रही है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है। यहां पर सभी आरती के अतिरिक्त जितने भी सब्जी विक्रेता हैं सब हड़ताल कर रहे हैं। आज का ऐसा दिन है यानी के 20 दिसंबर को हरियाणा भर में हड़ताल जो है वो कर रहे हैं। जो सब्जी मंडी के प्रधान हैं ललित, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, आखिर आज की हड़ताल जो है वो क्यों की गई है। सरकार ने हमारे ऊपर जो ये एक कोरोना काल में टैक्स लगाया था, जो पहले माफ था, उस टाइम पे इंडस्ट्रियां बंद थी, हमने भी समझा चलो भाई सरकार के टैक्स के रूप में हम कुछ योगदान दे देते हैं, कोरोना काल चला हुआ है, पर उसको अब कोरोना काल खत्म हो गया, हमने माफी के लिए दरखास्त डाली थी, एप्लीकेशन भेजी थी भाई हमारा ये टैक्स माफ कर दिया था, पर माफ करने की बजाय हमारे 40% बढ़ा के एक मुश्त लगा दिया गया और वो भी एडवांस में ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कभी भी किसी भी मंडी में ये टैक्स एडवांस नहीं लिया गया, बिक्री के ऊपर टैक्स होता है, क्योंकि है ना सब्जी फ्रूट जो होता है वो कभी मंदा होता है, कभी भाव तेज होता है, कभी 100 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो, तो हम उसी परसेंटेज से टैक्स देते थे, जो वो भी हमारा बंद कर दिया गया था, पर हमारे ऊपर अब एक मुश्त टैक्स लगा दिया, सर गलत है और हम ये नहीं देंगे। आल हरियाणा की मंडियां बंद हैं और जब तक ये हमारा टैक्स माफ नहीं किया जाएगा, आज एक सांकेतिक हड़ताल थी, फिर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। जिस तरह से यहाँ मंडी के अध्यक्ष ने भी अब साफ कर दिया है कि अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यह तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काली पट्टी बांधकर भी यहां विरोध जो है वो किया जा रहा है। यहां नगर निगम सोनीपत के मेयर निखिल मदान भी इस समय मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास हम यहां पर जरूर कर लेते हैं। सरकार द्वारा जो मंडियों में टैक्स जबरदस्ती टैक्स थोपने का कार्य हुआ है, तो मेरी सरकार से मांग है इस टैक्स को हटाया जाए। जो आज मंडी में बिक्री हुई नहीं उसका टैक्स सरकार एडवांस में लेने लग रही है, और जो सरकार को ये भी नहीं पता कि इस साल उस व्यापारी की कितनी बिक्री होगी, 40% टैक्स बढ़ाना और साथ में फीस बढ़ाना, तो मैं समझता हूँ सरकार ये टैक्स नहीं जबरदस्ती थोपने का, व्यापारी को आढ़तियों को परेशान करने का काम कर रही है। जो कि हुडा सरकार में हमारे कांग्रेस राज में जो मंडियों में टैक्स था ही नहीं, पहले सरकार ने कोरोना की आड़ में टैक्स बढ़ाया, अब उस टैक्स को कई गुना आगे और कर दिया। मांग करता हूँ, कृषि मंत्री से ही मांग करता हूँ, ये जो डिसीजन लिया है बिना सोचे समझे इसको वापस लें और वापस से मंडियों को टैक्स करें। जिस तरह से मेयर ने भी अब सरकार से ये मांग जरूर कर दी है कि टैक्स को वापस लेकर यहाँ आढ़तियों को राहत जरूर देनी चाहिए। यहाँ पर व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। इस सरकार के अंदर व्यापारी एक बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट हो गया है, जो भी कोई भी शरारत है, कभी सॉफ्ट एक्ट लगा देते हैं, कभी कोई एडवर्टाइजमेंट एक्ट लगा देते हैं, कभी आज ये मंडियों पे सब्जी मंडी पे एक मुश्त टैक्स, ये कोई तरीका नहीं है, तानाशाही चल रही है। और इसका पूरा व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल सब्जी मंडी एसोसिएशन के साथ है, और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पूरे हरियाणा के व्यापारी सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ इनके समर्थन में आ जाएंगे और पूरा हरियाणा बंद करने का निर्णय लेंगे। जिस तरह से यहाँ व्यापार मंडल ने भी अब साफ किया है कि सरकार प्रशासन को तुरंत इस मसले को निपटा लेना चाहिए, इस तरह से यहाँ अभी आपने सोनीपत की सब्जी मंडी में जो ये तस्वीर देखी, यहाँ पर आरती जो है हड़ताल पर डटे हुए हैं, सरकार प्रशासन को तुरंत इस मसले को सुलझाने के लिए वार्ता कर समाधान निकाल लेना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।